स्वागत है जी, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुहां सारे आ हमीरपुर आलिया जो मेरा प्रणाम। आज बीजो तुसा सारे लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। यह मिजो दाई बड़े ही सौभाग्य गल है। मेरा तुसा सारे जो एक बारी फिर हत्था जोड़ी करी प्रणाम। गौरी शंकर भगवान, गसोता महादेव, भगवान नरवेदेश्वर, भगवान मुरली मनोहर, मां टौणी देवी, बाबा बालकनाथ और सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, हमीरपुर के साथ साथ बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा से भी आप सब बहुत बड़ी तादाद में यहां आए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ टीवी के माध्यम से, मोबाइल फोन पर ऑनलाइन जो भी साथी जुड़े हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। हम सभी सुजानपुर के लोगों के, हिमाचल के लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, एक कार्यकर्ता के रूप में अनेक बार इस पूरे क्षेत्र में मुझे भ्रमण करने का, यहां को समझना, यहां की समस्याओं को समझना, यहां की शक्ति को समझना, अनेक परिवारों के साथ उठना बैठना, यानी मेरे जीवन का एक क्रम था। मेरा सौभाग्य रहा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी यहीं पर इसी चौगान में मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला था। अभी प्रधान सेवक के रूप में फिर एक बार आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। हमीरपुर की यादें अनगिनत यादें हैं, लेकिन अणु में जो पंडितादि हट्टी है, वहां की बेसन की बर्फी उसकी मिठास कौन भूल सकता है। भाई, मुझे इतने साल हिमाचल में आप लोगों के बीच बहुत कुछ सीखने का मिला है। अनेक लोगों के साथ जमीन पे काम करने का मौका मिला। और आज जब मैं यहां आया हूं तो भाई प्रवीण शर्मा की याद आना बहुत स्वाभाविक है। अनेक वर्षों तक प्रवीण के साथ काम किया और उन्होंने तो हमीरपुर के विकास के लिए भी कितना काम किया था। अब से कुछ महीने पहले ही वो हम सबको छोड़ के चले गए। मैं आज हमीरपुर आया हूं तो उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाई और बहनों, जितना मैं हिमाचल को जानता हूं, यहां के लोगों को जानता हूं, ये कह सकता हूं कि इस बार हिमाचल के लोग खुद ही ये चुनाव लड़ रहे हैं
खुद ही चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और दोबारा जयराम जी की सरकार बनाने का यहां हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिमाचल के खून में ही नया इतिहास बनाना है। इसलिए हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। साथियों, आपने इतने वर्षों के शासन में कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। कांग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था, वहीं भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास किया है। इस वजह से आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। भाजपा पर देश का ये भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उड़ीसा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना कांग्रेस साफ। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े सहनसा मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके, 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। 5 साल मैं मौज करूं, 5 साल तुम करो, फिर मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा, यही फॉर्मूला लेकर के चले। और इसलिए कांग्रेस के नेता हिमाचल की, हिमाचल के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आ ही जाएंगे। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे? क्या कभी आए थे? क्या कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? भाइयों बहनों,
जरा 5 साल का हिसाब निकालिए, लोकसभा में राज्यसभा में हिमाचल से जुड़े कोई विषय आए हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कांग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना आपने सुनी है क्या? भाइयों बहनों, आपकी चिंता इनको 5 वर्षों तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो 5 साल के बाद कुर्सी दे ही देता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है, रिवाज है, काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवारी नहीं सिर्फ निभा सकते, विपक्ष के नाते आपके सवालों को लेकर के जो हलते भी नहीं है, वे सरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे भाइयों? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस को हिमाचल से बिस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हमारे भाइयों बहनों, आज ये देवभूमि पुकार रही है, आज ये देवभूमि कह रही है भाजपा को फिर वापस लाएंगे, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। भाइयों और बहनों, आज आपसे बात करते हुए मैं क्षेत्र की वीर माताओं के योगदान को भी नमन करता हूं। यहां से तो हमारे उम्मीदवार खुद ही फौजी हैं, उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे अच्छा लगा कि मैं अभी आया हेलीकॉप्टर से यहां तो मुझे वीर जवानों के साथ नमस्ते करने का मौका मिल गया और बहुत बड़ी तादाद में मेरे फौजी भाई बहनों को देख करके, क्योंकि मैं तो हर दिवाली उनके बीच मनाता हूं। भाइयों बहनों, ये वीर संतानों को जन्म देने वाली वीर माताओं का कर्ज तो शायद ही कोई चुका सकता है, लेकिन सेवा का अवसर जब जब मिला भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं करगिल गया था दिवाली मनाने के लिए, तो मैं हैरान था, मैं और धूमल जी करगिल गए थे, करगिल लड़ाई के समय, उस समय की सारी फोटो की प्रदर्शनी लगाई थी वहां के लोगों ने, और वहां जो आज जो जवान है उनको भी वो पुरानी बातें याद थी कि धूमल जी और मोदी जी हमारे बीच में युद्ध के मैदान के समय आए थे। और मुझे याद है उस समय हमारा यहां का युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हमारे जयराम जी थे और हमारा विनोद ठाकुर वो महामंत्री था। युवा मोर्चा ने तब करगिल के शहीदों के जीवन को समर्पित स्मारिका भी निकाली थी। भाजपा की यही विशेषता है, भाजपा की ताकत चाहे कितनी भी रही हो, हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। साथियों, हमीरपुर के हमारे इस क्षेत्र में तो फौजी परिवारों का बाहुल्य है, हमारे ये परिवार बहुत करीब से जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास किस तरह बड़ी बड़ी बातों और झूठी गारंटियों का रहा है। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास बर्फ में इस्तेमाल होने वाले अच्छे जूते तक नहीं थे। यही कांग्रेस है जिसके राज में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनाई जाती थी, बॉर्डर पर बसे गांवों को मूल सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। यही कांग्रेस है जिसने फौजियों को वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगातार धोखा दिया। 40 साल तक चुनाव के 15 पहले कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है, कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। आप याद करिए भाइयों बहनों, मैंने हिमाचल के फौजी परिवारों को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो वन रैंक वन पेंशन हम लागू करके रहेंगे, और हमने ना सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया
बल्कि इसका एरियर भी पूरे सम्मान के साथ दिया। आज आप जानकर हैरान रह जाओगे कि वन रैंक वन पेंशन की वजह से अब तक लगभग 60,000 करोड़ रुपया देश भर के हमारे फौजी परिवारों के खाते में गए और यह अतिरिक्त राशि गई है। और साथियों, आपको यह भी नहीं भूलना है कि यही कांग्रेस है जिसके नेता आर्मी चीफ का अपमान करते हैं, फौज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं। यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार के लिए देश की सुरक्षा और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए आज देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र निर्माण किया जा रहा है। कांग्रेस ने रक्षा घोटालों का जो तौर तरीका बना दिया था उसको बदला गया है। अब तो बेटियों के लिए भी तीनों सेनाओं के हर मोर्चे भी उसको भी हमने खोल दिया है। यहां तो 5 ही सैनिक स्कूल भी है, हम सैनिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और इनमें बेटियों को भी दाखिला मिल रहा है। हमारी सरकार पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी बेटियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। मैं एक और आंकड़ा दूंगा, आप बहुत धैर्य ध्यान से सुनिएगा। आजादी के बाद 2014 तक देश में पुलिस सेवा में लगभग 1 लाख बेटियां थी, यानी इतने सालों में 1 लाख बेटियां। हमने बीते 8 साल में ये संख्या लगभग 2.25 लाख हो चुकी है, 2.25 लाख, यानी दोगुनी से भी ज्यादा। इसी प्रकार केंद्रीय बलों में भी बेटियों की भागीदारी 17,000 से बढ़कर के 35,000 से ज्यादा हो चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। साथियों, बीते 8 वर्षों में महिलाओं की सुविधा, बेटियों की पढ़ाई और कमाई के लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। इन्हें अब हिमाचल भाजपा नई बुलंदी दे रही है। आपने देखा होगा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए इस बार एक अलग संकल्प पत्र जारी किया है और इसके लिए मैं हिमाचल बीजेपी को बधाई देता हूं। इसमें बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर प्रकार की सुख सुविधा को बढ़ावा देने का रोडमैप है। यह दिखाता है कि भाजपा महिलाओं की समस्याओं और उनसे जुड़े विषयों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ऐसे काम तब किए जाते हैं जब मन में सेवा का भाव होता है, माताओं, बहनों, बेटियों की समस्याओं का एहसास होता है। आज पीएम आवास के घर में महिलाओं को हिस्सेदारी देने वाली भाजपा है। रसोई के धुएं से घर को मुक्त कर गैस कनेक्शन देने वाली भाजपा है। हर घर नल से जल देने का अभियान चलाने वाली भाजपा है। घर घर शौचालय की सुविधा बनाने वाली भाजपा है। घर घर सौभाग्य का बिजली कनेक्शन पहुंचाने वाली भाजपा है। कोरोना के इस मुश्किल समय में हर गरीब को मुफ्त अनाज देने वाली भी भाजपा ही है। भाइयों बहनों, मेरा पूरा विश्वास है देश में जो भी छोटे राज्य हैं, जो हिमालयी राज्य हैं, उन सबके लिए हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति का रोल मॉडल बन सकता है। विकास के मामले में, टूरिज्म के मामले में हिमाचल सभी छोटे राज्यों के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। पहाड़ी राज्यों में जो कनेक्टिविटी होती है, रोड, रेल, रोपवे, इन सब चीजों में हिमाचल प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ सकता है और हम उसी तरफ पिछले 5 साल से लगातार ले जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों में ये चीजें हम सिद्ध कर करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। जिस तरह से राष्ट्र रक्षा में हिमाचल प्रदेश अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, उसी तरह से विकास के मामले में भी
उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है। हमें हिमाचल को पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में विकसित करना है। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली और हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इसी दिशा में प्रयास किया है। ऊना में ट्रिपल आईटी, हमीरपुर में एनआईटी, बिलासपुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉलेज और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बिलासपुर में एम्स बन गया है और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है। यानी शिक्षा हो या स्वास्थ्य, डबल इंजन से डबल विकास हो रहा है। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी डबल लाभ हिमाचल को मिला है। देश में सिर्फ 3 राज्यों को बल्क ड्रग पार्क के लिए चुना गया है, इसमें से एक ये मेरा हिमाचल है और ये भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बन रहा है। धौला सिद्ध प्रोजेक्ट बनने से यहां बिजली तो बनेगी ही, रोजगार भी बढ़ेंगे और किसानों पशुपालकों को कमाई भी बढ़ेगी। यहां रेल नेटवर्क के विस्तार में हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार लगा रही है। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन भी हिमाचल को ही मिली है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटोर ये हाईवे पर ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। ये विकास सबके सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन हिमाचल के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, कांग्रेस को विकास के कार्यों से दुश्मनी है, इसलिए वो इन सारे कार्यों को रोकना चाहती है। जैसे रोड 2014 से 2017 दिल्ली में हमारी सरकार बन चुकी थी, आप हमें आशीर्वाद दे चुके थे, लेकिन हिमाचल ने जितने रोड़े अटका सकते थे अटकाने की कोशिश की, ताकि दिल्ली से जो विकास का प्रवाह यहां आए वो हिमाचल में नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने हिमाचल का बुरा करने का काम किया। वो कहावत है ना, चल दे घराटा मंज गट्टा पाना। कांग्रेस भी हिमाचल में विकास के घराट की चक्की को रोकना चाहती है, इसलिए वो पुराना राजनीतिक रिवाज बनाए रखना चाहती है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे, ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी गया हूं हिमाचल में पिछले दिनों, जहां भी जाने का मुझे मौका मिला है, मैंने ये मिजाज देखा है, मैंने हिमाचल की जनता का संकल्प देखा है और हिमाचल के लोगों को समझ आ गया है कि ये अदला बदली ने हिमाचल को बर्बाद करके रखा है, अब तो दोबारा काम देंगे और हिसाब भी मांगेंगे। आप दोबारा हमें काम दीजिए, हमसे हिसाब मांगिए। आप रिवाज बदलने का तय करके बैठे हैं, हम आपकी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय करके बैठे हैं। साथियों, आज हिमाचल विधानसभा चुनाव में ये मेरी आखिरी सभा है। इस चुनाव में अब मेरा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अब समय नहीं बचा है, लेकिन आप जरूर एक बात याद रखेंगे, कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है। वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए, मजबूरी में जीने के लिए हमेशा सोचते हैं ताकि उनकी जरूरत पड़ जाए। भाजपा ही है जो हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है, इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की वापसी जरूरी है। और आप तो जानते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल की हर छोटी मोटी बातों से परिचित हो,
यहां की हर पहाड़ियों से परिचित हो, यहां के रास्तों से परिचित हो, यहां से लोगों से परिचित हो, तो दिल्ली में बैठकर को आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब मैं तो दिल्ली में हूं ही, अगर यहां मेरे अनुकूल लोग होंगे तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सीधी सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है ताकि डबल फायदा मिल जाए। मेरा आपसे आग्रह है 12 नवंबर को हर बूथ में हर वोट कमल के फूल पर ही पड़ना चाहिए। मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे आप, एक एक मतदाता को मिलोगे, घर घर जाकर के कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए समझाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें इसके लिए मेहनत करोगे, ठंड अगर आना शुरू भी हो जाए तो भी मतदान कम नहीं होगा इसकी चिंता करोगे। अच्छा, हर घर जाओगे तो ये बात बताओगे ना कि मोदी जी सुजानपुर आए थे, आप सबको मिलने के लिए आए थे, लेकिन अगर आप नहीं आ पाए हो तो मोदी जी ने हर घर में हर परिवार में अपना प्रणाम पहुंचाया है, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, हर घर में जाके बताओगे कि मोदी जी ने अपना प्रणाम पहुंचाया है, पक्का पहुंचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।